नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। किसान आंदोलन के दौरान पश्चिम बंगाल की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने दूसरी आरोपी महिला समेत दो वकीलों से पूछताछ की है। वहीं पीड़िता का मोबाइल फोन भी पुलिस तक पहुंच गया है। पीड़िता के पिता के जानकार और संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े लोगों ने पुलिस को मोबाइल सौंप दिया है। पुलिस अब पीड़िता के मोबाइल फोन की फोरेंसिक जाँच करवा रही है। उम्मीद है कि पीड़िता के मोबाइल फोन से कई राज खुलेंगे। गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से कोविड 19 मरीजों की मौत का सिलसिला थमा नहीं है। शुक्रवार को भी ऑक्सीजन की कमी के चलते 13 मरीजों की मौत हो गई। इस बात की जानकारी राज्य के एडवोकेट जनरल ने बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच को दी है। राज्य में बुधवार को 20 और मंगलवार को ऑक्सीजन संकट के चलते 26 मरीजों की मौत हो गई थी। गोवा बेंच ऑक्सीजन मुद्दे से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। गुरुवार को रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच 15 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जेल में फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि यह फायरिंग दो गुटों के बीच हुई है। इस फायरिंग में जेल के अंदर दो बदमाशों की हत्या कर दी गई है। मारा गया एक बदमाश बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का करीबी था। हत्या करने वाले गैंगस्टर को जेल पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। जेल के अंदर प्रशासन के अधिकारी मौजूद है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच दिल्ली में वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली में 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, यानी सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन हो सकेगा और आसानी से टीका लग पाएगा। हिमाचल प्रदेश में जयराम मंत्रिमंडल की बैठक 15 मई को शिमला के होटल पीटरहॉफ में होगी। बैठक में प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू को और बढ़ाने को लेकर मंथन हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में वर्तमान में कर्फ्यू लागू होने के बाद भी अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमितों और मौतों की संख्या में कमी नहीं आई है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि कर्फ्यू को और बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि हिमाचल में 17 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। रूसी स्पूतनिक कोविड 19 वैक्सीन की एक डोज भारत में करीब 1000 रुपए की पड़ेगी। भारत में स्पूतनिक का आयात करने वाली कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने यह जानकारी दी है। कंपनी ने कहा है कि इस टीके को सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरीज से जरूरी मंजूरी मिल गई है। कोविशील्ड के दो डोज के बीच अंतराल बढ़ाए जाने को व्हाइट हाउस के प्रमुख चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने एक वाजिब कदम करार दिया है। फाउची ने कहा है कि जब आप ऐसे मुश्किल हालातों में हों जिसमें इन दिनों भारत जूझ रहा है, तो आपको ऐसा रास्ता निकालना होता है जिससे जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। उन्हें कहा कि इस लिहाज से उन्हें ये तरीका सही लगता है। पिछले हफ्ते यरूशलम की अल अक्सा मस्जिद में नमाजियों पर इजरायली सुरक्षा बलों के हमले के बाद भड़की हिंसा अब जंग की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। गाजा की सीमा पर इजरायल ने अपने सैनिकों को जमीन से लड़ने के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले की आशंका के चलते गाजा में कई लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। अब तक दोनों गुटों के बीच की लड़ाई हवाई हमले और रॉकेट दागने तक सीमित थी, लेकिन अब इजरायल ने जमीन पर अपने सैनिकों को लड़ने के लिए भेज दिया है, जिससे जंग की आशंका और प्रबल हो गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार नेता और राजौरी गार्डन से पूर्व विधायक जरनैल सिंह का निधन हो गया है। शुक्रवार की सुबह उनके निधन की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि कोरोना पीड़ित होने के बाद जरनैल सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इसी दौरान उनकी मौत हो गई। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी जरनैल सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारतीय रेलवे लगातार कई रूट्स पर चलने वाली ट्रेनों को रद्द कर चुका है। यह सिलसिला आज भी जारी है। रेलवे ने लगातार कोरोना के कारण यात्रियों की कमी के चलते गुजरात से चलने वाली लगभग 16 ट्रेनों को आज कैंसिल कर दिया है। भावनगर रेल मंडल और राजकोट डिवीजन ने 14 मई से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों को अगली सूची तक रद्द करने का फैसला किया है। ये सभी ट्रेनें अगले आदेश तक के लिए निरस्त कर दी गई हैं। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।